चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय महिलाओं से संबंधित है। हमारा आज का विषय है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक 2020 जो हाल ही में पारित हुआ है। इस विषय के संबंध में हम आज विस्तार से बात करेंगे कि इस विधेयक में क्या है, ये महिलाओं के किस तरह से सुरक्षा करता है, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं और इससे संबंधित चुनौतियां और विवाद क्या हैं, और महिलाओं की इस मामले में यानी कि अबॉर्शन के मामले में वैश्विक और भारतीय स्थिति क्या है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं चर्चा में क्यों है से। हाल ही में संसद में अबॉर्शन कानून में बदलाव को मंजूरी मिली है। राज्यसभा में गर्भपात की समय सीमा बढ़ाने से संबंधित ये विधेयक पारित हो चुका है। तो इस विधेयक के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम विस्तार से बात करते हैं कि इसमें है क्या। ये एक्ट विशेष रूप से उन स्थितियों को रेगुलेट करता है जिसमें गर्भपात कराया जा सकता है और उस अवधि को बढ़ाता है जिसमें गर्भपात कराया जा सकता है। यानी कि ये उन स्थितियों और अवधि की बात करता है जिसमें कोई महिला गर्भपात करा सकती है। वर्तमान की अगर बात करें यानी कि इस विधेयक से पहले की अगर हम बात करें तो किसी महिला को अगर अबॉर्शन कराना है तो वो 12 सप्ताह के गर्भ को एक डॉक्टर की सलाह पर या एक डॉक्टर की सहायता से अबॉर्ट करा सकती है और 20 सप्ताह के गर्भ के लिए उसे दो डॉक्टरों की सलाह की आवश्यकता होती है। अधिकतम 20 सप्ताह तक के गर्भ को अबॉर्ट कराया जा सकता है। लेकिन इस बिल की अगर हम बात करें तो इस बिल में कुछ बदलाव इस तरह से किए गए हैं कि अगर 20 हफ्ते तक का गर्भपात कराना है तो एक डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत इसमें होगी। इसके अतिरिक्त कुछ श्रेणियों यानी कि विशेष श्रेणियों में महिलाएं 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को भी अबॉर्ट करा सकती हैं और उसके लिए दो डॉक्टरों की सलाह की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा होता है कि असामान्य भ्रूण है तो 24 सप्ताह के बाद के भ्रूण को भी जो है गर्भ उसका अबॉर्शन कराया जा सकता है। इसके लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की सलाह की आवश्यकता होगी। यानी कि 24 सप्ताह से अधिक का जो गर्भ होगा वो राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड में जाएगा, वहाँ पर उसकी स्थिति का आंकलन किया जाएगा और उसके आधार पर अबॉर्शन की परमिशन दी जाएगी। तो ये तीन मुख्य बदलाव इस बिल में किए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि आखिर इस बिल का उद्देश्य क्या है। इस बिल का उद्देश्य है महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात कराने की व्यवस्था करना है। गर्भपात सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि करना भी है जो कि बहुत कम है। शहरी क्षेत्रों में तो ये काफ़ी हद तक फिर भी मौजूद है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है जिसकी वजह से महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महिलाओं को स्वस्थ और बेहतर जीवन प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके साथ ही असुरक्षित गर्भपात के कारण होने वाली मातृ मृत्यु दर को कम करना भी इसका उद्देश्य है और गर्भपात की जटिलताओं में कमी लाना भी इसका एक उद्देश्य है। गर्भपात के समय कुछ जटिलताएं इस वजह से आ जाती हैं कि चिकित्सकीय सुविधाएं उपस्थित नहीं होती हैं और परमिशन नहीं होने की वजह से ये काम गैर कानूनी तरीके से भी होता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इस कानून में महिलाओं की प्राइवेसी को लेकर क्या कहा गया है। कानून में महिलाओं की प्राइवेसी की बात की गई है और सरकार ने अविवाहित महिलाओं को भी कानूनी तौर पर अबॉर्शन की परमिशन दे दी है। इससे पहले असुरक्षित तरीके से अबॉर्शन होता था और महिलाओं की जिंदगी इससे खतरे में आ जाती थी। अबॉर्शन की अनुमति के मामले में महिलाओं के स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखा गया है जिसमें डॉक्टर की राय महत्वपूर्ण होगी। यानी कि इसमें सबसे ऊपर स्वास्थ्य को रखा गया है और महिलाओं की गरिमा और उनके अधिकारों के सम्मान की बात इसमें की गई है। इसके साथ ही कानूनन अबॉर्शन करने वाली महिलाओं की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए सरकार ने साफ कहा है कि जो बालिक है वो अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अबॉर्शन करा सकता है। इसका मतलब है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाएं अगर चाहें तो वो अपनी सहमति से बिना किसी से पूछे हुए अबॉर्शन का फैसला ले सकती हैं। अपने गार्जियन के साथ पार्टनर को बिना बताए भी ये काम वो कर सकती हैं। इसके अलावा नाबालिगों के केस में माता पिता या कानूनी गार्जियन इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। यानी कि अगर बच्ची नाबालिग है
तो उसमें गार्जियन और माता पिता की अनुमति का होना बेहद आवश्यक है। इस बिल की एक विशेष बात यह है कि इसमें विवाहित महिला या उसके पति के स्थान पर महिला या उसका पार्टनर शब्द लिखा गया है, जो कि अपने आप में विशेष है। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए अगर गर्भ 20 हफ्ते से अधिक का हो तो क्या होगा। यानी कि 20 सप्ताह तक तो बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है कि 20 सप्ताह तक का होगा तो जहां पहले दो डॉक्टरों की राय जरूरी थी वहां एक डॉक्टर की राय का होना शामिल इसमें किया गया है। लेकिन 20 सप्ताह से बाद के गर्भ को असामान्य स्थिति में ही आप अबॉर्ट करा सकते हैं। तो ऐसे स्थिति को हम विस्तार से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि अगर गर्भ 20 सप्ताह से अधिक का होगा तो क्या होगा। सामान्य स्थिति में तो हम देख चुके हैं कि गर्भ अगर 20 सप्ताह का है तो पहले जहां दो डॉक्टरों की सलाह की आवश्यकता थी अब वहां एक डॉक्टर की सलाह ही काफी होगी। लेकिन 20 सप्ताह के बाद तक के गर्भ के लिए क्या होगा, ऐसे में जो कैटेगरी इस विशेष कैटेगरी की महिलाओं के लिए जो समय सीमा बढ़ाई गई है वो 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के लिए की गई है। इसको अगर थोड़ा सा विस्तार से देखें तो नए बिल के अनुसार अगर गर्भ 20 सप्ताह से ज़्यादा का है तो अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे कि गर्भवती महिला के जीवन को अगर उससे खतरा हो या फिर उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गहरा आघात लगा हो, और या फिर जन्म लेने वाले बच्चे में कुछ शारीरिक या मानसिक विकृति पहले से ही नजर आ जाए, ये कैटेगरी की औरतें जो हैं वो अबॉर्शन करा सकती हैं 20 सप्ताह के बाद भी। तो 20 सप्ताह के बाद अबॉर्शन की परमिशन तो है, लेकिन कुछ विशेष शर्तों के साथ ये परमिशन दी गई है। अब हम बात करते हैं कि ये विशेष कैटेगरी में कौन सी परिस्थितियां महत्वपूर्ण होंगी जिसको शामिल किया गया है। मान लीजिए अनचाहा गर्भ ठहरता है, ऐसी स्थिति रेप केसेस में देखी जाती है जहां नाबालिग बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, बालिक के साथ भी होता है, तो वहां ये स्थिति देखी जाती है। इसको भी विशेष कैटेगरी कहा जा सकता है। महिला आरोप लगाए कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म के बाद उसका गर्भ ठहर गया और इससे उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इस स्थिति में भी ये किया जा सकता है। और तीसरा है कि भ्रूण में विकृति हो, इसका पता अक्सर 24 सप्ताह से में लग जाता है लेकिन बहुत सारे केसेस में बहुत बाद तक इसका पता नहीं लगता है, तो इन कैटेगरी की महिलाओं को 20 सप्ताह के बाद भी अबॉर्शन की इजाज़त दी गई है। अब इस नए कानून को लेकर कुछ विवाद भी है, विवाद भी आप इसको कह सकते हैं, चुनौतियां भी कह सकते हैं और चिंताएं भी आप इसको कह सकते हैं। पहला तो ये है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में स्वेच्छा से गर्भपात कराना अपराध माना गया है, और ये बिल की अगर हम मैं बात करूं तो भारतीय संसद की भी बात करती हूं, साथ में भारतीय कानून की बात करती हूं या कोर्ट की भी मैं बात करती हूं, जहां इस केस में एक तरफ महिलाओं के अधिकार की बात है वहां दूसरी तरफ अनचाहे बच्चे के जन्म के अधिकार की भी बात आती है, तो दो अधिकार यहां पे क्लैश भी करते हैं, इस वजह से इसमें विवाद है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मानने वाले लोग यहां पे इस मुद्दे पे बात करते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कुछ शर्तों के साथ अबॉर्शन की इजाज़त देता है, इसका और विस्तार कर दिया गया है। तो जहां एक तरफ हम अबॉर्शन की परमिशन दे रहे हैं वहां दूसरी तरफ भारतीय दंड संहिता 1807 अपनी मर्जी से अबॉर्शन कराने को अपराध कहता है, एक ये विवाद है। इसके अलावा दूसरा विवाद ये है कि नया ये जो बिल है इसमें कहा गया है कि अबॉर्शन तभी हो सकता है जब गायनेकोलॉजिस्ट या कोई विशेषज्ञ डॉक्टर जो होता है वो इसके लिए सलाह दे, कहे कि ये ज़रूरी है। लेकिन असल स्थिति की हम बात करें तो ग्रामीण महिलाओं को 75% महिला गायनेकोलॉजिस्ट मिलती ही नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि 75% वहाँ की महिलाओं को अच्छे डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में सुरक्षित गर्भपात के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँचने में ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और हाल ही में ये इतनी सफल तरीके से पॉसिबल होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा है। तीसरा विवाद इसमें ये है स्पेशल कैटेगरी का। स्पेशल कैटेगरी की बात तो कर दी है कि स्पेशल कैटेगरी की महिलाएं 20 से 24वें हफ्ते तक अबॉर्शन करा सकती हैं, लेकिन महिलाओं में किसे शामिल किया जाएगा इस बारे में बिल स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है कि रेप विक्टिम, दिव्यांग महिलाएं और नाबालिगों को इसमें ज़रूर शामिल किया जाएगा।
ये बात साफ है, लेकिन फिर भी स्पेशल कैटेगरी डिफाइन नहीं है। अक्सर ऐसे मामले में इन्हें शरीर में होने वाले बदलाव के साथ देखा जाता है कि बच्चा, जैसे इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए कोई नाबालिग बच्ची है, उसका रेप हो जाता है और उसको धमकी भी दी जाती है, डर की वजह से वो बता नहीं पाती है और पेरेंट्स को जब तक पता चलता है वो 20 वीक्स अबव टाइम हो चुका होता है और कानून इसकी परमिशन देता नहीं है। ऐसे में कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है और कभी कभी कोर्ट की परमिशन नहीं मिलने की वजह से उस बच्चे को जन्म भी देना पड़ता है। तो ये एक समस्या पहले थी। अगर हम बात करें कि अजन्मे में बच्चे में किसी तरह के दोष दिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे कि 24 वीक के बाद भी अगर किसी बच्चे में दोष दिखाई दे, यानी कि पता चले कि ये बच्चा अब नॉर्मल है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा या अब तक ऐसी स्थिति में क्या होता रहा है। तो 2016 से 2019 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो इस मामले में 194 याचिकाएं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। महिलाओं ने अलग अलग कारणों से अबॉर्शन की परमिशन मांगी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी टेक्नोलॉजी में हुई प्रगति को देखते हुए इस बारे में बहुत बार टिप्पणियां की हैं। तो ये मांग तो थी इस तरह की, इस बिल में स्पष्ट है कि विकृति होने पर अबॉर्शन के लिए भ्रूण की उम्र सीमा तय नहीं हो सकती या तय नहीं की गई, यानी कि किसी भी समय सीमा में अबॉर्शन हो सकता है अगर भ्रूण में विकृति है, लेकिन हर राज्य में बना मेडिकल बोर्ड ही तय करेगा कि भ्रूण में विकृति की वजह से अबॉर्शन हो सकता है या नहीं। ये बिल कहता है कि किसी भी स्थिति में करवाया जा सकता है, यानी कि भ्रूण में विकृति होने पर किसी भी समय सीमा में अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन राज्य का मेडिकल बोर्ड ये तय करेगा कि भ्रूण में विकृति है या नहीं। आम तौर पर गर्भावस्था के कई चरणों में भ्रूण में विकृति का पता लगाया जा सकता है। ज़्यादातर विकृतियाँ 4 महीने में पता चल जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जेनेटिक विकृतियाँ 4.5 महीने के बाद सामने आती हैं और पता नहीं चल पाता है उससे पहले। कार्डियक और फेशियल डिफेक्शन जो होते हैं अक्सर 20 हफ्ते या उसके बाद होने वाले अल्ट्रासाउंड में ही पता चलता है। तो MTP बिल में यह बदलाव विकृति के चलने के बाद माता पिता को अबॉर्शन की इजाज़त देता है। अब तक तो ऐसे बच्चों को जन्म देने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। कारण इसका स्पष्ट है कि विकृति का पता बहुत लेट चला। विकृति का पता बहुत लेट चलने के बाद कोर्ट में याचिका दी गई और उस कोर्ट का फैसला आया ही नहीं तब तक बच्चे को जन्म देना ही पड़ता था और वो बच्चे अमूनन जन्म लेते उनकी डेथ भी हो जाती थी। अबॉर्शन कानूनों को लेके वैश्विक स्थिति क्या है, यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, नेपाल, ऑस्ट्रिया, इथोपिया, इटली, स्पेन, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन समेत करीब 52 देश ऐसे हैं जहाँ पर 20 हफ्ते से ज़्यादा के बाद भी गर्भपात की परमिशन है। इसके अलावा डेनमार्क, घाना, कनाडा, जर्मनी, वियतनाम, जाम्बिया सहित 23 देश ऐसे हैं जहां पर किसी भी समय अबॉर्शन की परमिशन है, यानी कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। भारत की अगर हम बात करें तो यहां डाटा क्या कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि भारत में हर 155 मिनट में 16 वर्ष से कम आयु की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और 13 घंटे में 10 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म की घटना भारत में होती है। वर्ष 2015 में 10,000 से ज़्यादा बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ था और ऐसे मामलों में बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जिनके दुष्कर्म की घटना के बाद डर, झिझक, संकोच की वजह से उन्होंने ना घर वालों को कुछ बताया, ना अपने आसपास किसी को कुछ बताया और जब घर वालों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अबॉर्शन की परमिशन नहीं मिलने की वजह से उनको बच्चों को भी जन्म देना पड़ा। तो इस वजह से इस कानून में ये संशोधन इस वजह से भी किए गए हैं। अब हम देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक 2020 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसके अनुसार गर्भपात कराने की अधिकतम सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई है। कथन दो, इसके अनुसार अगर गर्भ 24 हफ्ते से ज़्यादा का है तो अबॉर्शन की अनुमति मेडिकल बोर्ड की स्वीकृति पर दी जा सकती है, यानी कि मेडिकल बोर्ड की स्वीकृति पर ऐसा किया जा सकता है
उपरोक्त में से सत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न था दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति से संबंधित था। 2020-21 में जो राष्ट्रीय नीति आई है, आपको बताना था कि उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है। उपरोक्त में से सत्य कथन केवल एक है, जो दूसरा कथन है जिसमें कहा गया है कि इस योजना के तहत केवल बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। इस योजना में हर उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा जो व्यक्ति इस लाभ के योग्य है, बीपीएल परिवार इसका मापदंड नहीं है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।